Hello everyone, I welcome you all on our YouTube channel JNV English Empire. Today we are going to read another chapter from the book Footprints Without Feet. Lesson number 8 The Hack Driver, written by Sinclair Lewis. This chapter, this story is very interesting and has a hidden message. When you read the story, you'll get to know about that. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी लेट्स डिस्कस द थीम फर्स्ट द स्टोरी conveys अ मैसेज नॉट टू हैव ब्लाइंड फेथ ऑन anyone. It suggests सजेस्ट दैट can कैन deceptive. डिसेप्टिव ये कहानी हमें बताती है कि हम लोगों को फेथ होना चाहिए किसी दूसरे के ऊपर किसी दूसरे पर्सन के ऊपर फेथ होना चाहिए बट ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए इट सजेस्ट कि हाँ अपियरेंसेस जो हैं जो कई बार देखता है वो होता नहीं है तो जब भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करें कुछ भी आपके साथ ऐसा हो तो फर्स्ट उसको रीजनेबली लॉजिकली उसको सोच लें देन द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड पर्सन हु इज़ वेरी सिंपल एंड बिलोंग्स टू अ सिटी बिल्कुल सीधा साधा आदमी ऑथर वो शहर से एक छोटे से शहर से वो बिलोंग करता है इज एन असिस्टेंट ऑफ ए लॉयर एंड सेंट टू अमॉल टाउन नेम न्यू मुलियन टू सर्व हिज समू ऑलीवर लुटकिन उसको एक वो एक लॉयर का असिस्टेंट है एंड उसको भेजा जाता है एक छोटा सा कस्बा है न्यू मुलियन छोटा सा टाउन है वहाँ पे उसको ओलिवर लुटकिंस नाम के एक आदमी के लिए समन्स देने के लिए भेजा जाता है देअर ही मैटर मैन बिल उू हेल्प हिम टू फाइंड हिज मैन वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है एक आदमी से जिसका नाम बिल है और वो उस जो ओलिवर लुटकिंस है हिज मैन लुटकिन ओलिवर लुटकिंस उसको ढूंढने के लिए वो ऑथर की हेल्प करता है देर आर मैनी ट्विस्ट एंड टर्न इन द स्टोरी द स्टोरी इज क्वाइट म्यूजिंग ऑथर डीलिंग विद डिफरेंट करेक्टर्स ऑफ द स्टोरी इज अम्यूजिंग जिस तरह से ऑथर डील करता है सभी कैरेक्टर से मिलता है कैसे स्टोरीज में ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है फाइनली द ऑथर रिसीव्स अ सरप्राइज इन द एंड वॉट इज दैट लास्ट में ऑथर को एक बहुत ही बड़ा शॉक लगता है सरप्राइज मिलता है एंड व्हाट इज दैट लेट्स फाइंड आउट आफ्टर ग्रेजुएशन विद ऑनर्स I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. तो ऑथर कहता है कि ग्रेजुएशन करने के बाद ऑनर्स के साथ में ग्रेजुएशन करने के बाद मैं एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बन गया था एक बहुत ही बढ़िया एक फर्म में एक कंपनी में लॉ फर्म में कानून से रिलेशन रखने वाली फॉर्म में मैं एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बन गया था तो आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स बट टू सर्व समन्स लाइक ए चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव मुझे भेजा जाता था किस लिए भेजा जाता था नॉट टू नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स जो कानूनी जो मुकदमे होते हैं केसेस होते हैं उनको तैयार करने के लिए नहीं भेजा जाता था बल्कि मुझे समन्स देने के लिए जो जुडिशरी होती है उसमें ये समन्स दिए जाते हैं जो लोग कल्प्रिट्स होते हैं या जिनके ऊपर केसेस किए के जाते हैं मुकदमा किया जाता है तो उस आदमी को कोर्ट के द्वारा बुलाया जाता है दैट इज समन्स उसको समन किया जाता है बुलाया जाता है लाइक ए चीप प्राइवेट डिटेक्टिव एक में एक बहुत ही सस्ते से प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह मुझे ये काम दिया जाता था आई हैड टू गो टू द डर्टी एंड शेड शेडोई कॉर्नर्स ऑफ द सिटी टू सीक आउट माई विक्टिम्स और मुझे जाना पड़ता था ऐसे ऐसे जो गंदे और ऐसे छायादार कॉर्नर्स शहर के ऐसे ऐसे कोने जहाँ पर कि धूप भी नहीं पहुँचती थी लिए टू सीक आउट माई विक्टिम्स जो मेरे जो लोग जिनको कि मैंने समन्स देने होते जो जो विक्टिम्स थे उनको समन्स देने के लिए मुझे भेजा जाता था सम द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप कई लोग तो ऐसे थे जो मुझसे बड़े थे काफ़ी हटे कटे सेल्फ कॉन्फिडेंट और कई बार तो मुझे उन्होंने मारा भी आई हेटेड दिस अनप्रिजेंट वर्क मुझे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था एंड द साइड ऑफ द सिटी लाइफ इज इट रिवील टू मी और इसी वजह से मुझे शहर की जो भागा दौड़ी है शहर की जो लाइफ है उसका पता चला इस जॉब में आई आई इवन कंसिडर्ड फ्लिंग टू माई होम टाउन कई बार तो मुझे ऐसा ध्यान आया ऐसे आया मन में कि मैं अपने घर को जो मेरा होम टाउन है वहाँ मैं वहाँ के लिए मैं भाग जाऊँ फ्लिम इज टू रन अवे वेर आई कुड हैव बीन ए रियल लॉयर राइट अवे विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्रेजेंट ट्रेनिंग पीरियड जहाँ पर कि मैं एक सचमुच के मैं अपने अगर होम टाउन चला जाता हूँ तो मैं जहाँ पर कि सीधे जाकर के एक लॉयर की तरह काम करूँगा ये जो अनप्लीजेंट जॉब है मेरी ये जो ट्रेनिंग पीरियड चला हुआ है मेरा मैं एक असिस्टेंट हूँ लॉयर का तो ये काम करने से मैं बच जाऊँगा सो so आई rejoiced वन डे when दे सेंट मी आउट फोर्टी माइल्स इन द कंट्री टू अ टाउन कॉल्ड न्यू मोलियन टू सर्व समन्स टू अ मैन कॉल्ड ऑलि और इसलिए मैं एक दिन बहुत खुश हो गया रिज्वाइस्ड मीन डिलाईटेड हैप्पी आई वॉज वेरी हैप्पी दैट डे वेन आई वॉज सेंड टू न्यू मूलियन जो चालीस किलोमीटर दूर था एक uh, छोटा छोटा सा एक कस्बा था न्यू मुलियन जहां पर कि उसको भेजा गया समन्स देने के लिए ऑल ईवर लुटकिन नाम का एक आदमी है उसको समन्स देने थे वी नीडिड दिस मैन एज ए विटनेस इन ए लॉकेस एंड ही हैड इग्नोर ऑल द अवर लेटर्स इस आदमी की ओलिवर लुटकिंस की हमें जरूरत थी एक लॉ केस में और इसने हमारे जितने भी लेटर्स थे पुराने लेटर्स उनको इग्नोर कर दिया था उनका कोई आंसर नहीं किया था आज तक वेन आई गॉट टू न्यू मोलियन माई ईगर एक्सपेक्टेशन ऑफ ए स्वीट एंड सिंपल कंट्री विलेज वर आर डिसअपॉइंटेड जब मैं न्यू पहुंचा तो मेरी जो मैंने जो एक्सपेक्ट किया हुआ था क्या एक्सपेक्ट किया था कि मैं बहुत अच्छे सुंदर से गांव में जाऊंगा मैं जहां जा रहा हूं वो बहुत सुंदर जगह होगी बहुत ब्यूटीफुल काम प्लेस होगी और वो पूरी तरह से सीअरली डिसंटेड मी वेरी बैडली स्वीरली मीन्स वेरी बैडली वो पूरी तरह से शैटर्ड जितने भी मेरे ड्रीम्स थे जितने मैंने इमेजिनेशन थी दे और कम्पलीटली शटर्ड खत्म हो गए इट्स स्ट्रीट्स और रिवर्स ऑफ मड विद रोज ऑफ वुडन शॉप्स ईदर पेंटेड ए ब्राउन और बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल न्यू मुलियन की जो गलियाँ थी वो कीचड़ की नदियों की तरह लग रहे थे और विद रोज ऑफ वुडन शॉप्स और लकड़ी की बनी हुई वहां पर शॉप्स इधर पेंटिड ए सोर ब्राउन या तो एक बहुत ही सोर ब्राउन इज अनप्लीजेंट बहुत ही बुरा दिखने वाला ब्राउन कलर किया हुआ था उन शॉप्स पे या फिर कुछ ऐसी शॉप्स थी जिनके ऊपर कोई पेंट ही नहीं किया था द ओनली एग्रीबल साइट अबाउट द प्लेस वॉज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन और सबसे अच्छी जगह वहां पे मुझे लगा वहां पे जो स्टेशन पे जो डिलीवरी मैन बैठा हुआ था डिलीवरी मैन जो वन हु डिलीवर गुड्स जो सामान इधर से उधर पहुँचाता है ही वॉज अबाउट फोर्टी रेड फीसड चेयरफुल एंड थिक अबाउट द middle. चालीस साल के लगभग था लाल उसका चेहरा बहुत खुश लग रहा था और थिक अबाउट द middle. और थोड़ा सा मोटा था बीच में से देखने से थोड़ा सा मोटा मतलब पेट बाहर निकला हुआ His वर्किंग क्लोथ्स were डर्टी एंड वेल worn, एंड ही हैड ए फ्रेंडली मैनर उसके काम करते हुए जो उसने कपड़े पहने हुए थे वो बिल्कुल गंदे से गंदे थे वेल well worn. ऐसा लग लग रहा था कि उसने काफ़ी टाइम से उनको पहना था यूज़ किया है काफ़ी उनको एंड ही हैड ए फ्रेंडली मैनर काफ़ी अच्छा उसका बिहेवियर था फ्रेंडली बात कर रहा था यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक पीपल अगर आप उससे देखते तो एकदम से आपको पता चल जाता कि वो लोगों को पसंद करता है लोगों से बात करना उसको अच्छा लगता है आई वॉन्ट आई टोल्ड हिम टू फाइंड अ मैन नेम्ड ओलीवर लुटकिनस तो ऑथर गया उसके पास और कहा मैं एक आदमी को ढूंढना चाहता हूँ जिसका नाम है ओलिवर लुटकिंस to आई सॉ हिम up हार्ड फेलो टू कैच दो ऑलवेज आदमी ने बोला लुटकिंस, अच्छा मैंने उसको अभी अभी एक घंटे पहले यहां देखा था हार्ड फेलो टू कैच दो हालांकि उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर हमेशा कहीं ना कहीं इधर उधर कहीं ना कहीं वो घूमता रहता है पोकर गेम इन द बैक ऑफ फ्रिज शॉप वो पक्का शायद वो एक नई गेम पोकर गेम जो ताश की गेम है वो कार्ड जो गेम है वो स्टार्ट कर रहा होगा पक्का वहां पर वो फ्रिज की शॉप के पीछे वो खेल रहा होगा पोकर गेम आई टेल यू बॉय इज देयर एनी हरी अबाउट लोकिंग लोकेटिंग लुटकेंस मैं तुमको कहूंगा लड़के हाँ वो लड़का उसके सामने तो औतर लड़का ही लग रहा था तो उसने कहा कि क्या तुम्हें कोई जल्दबाजी है जल्दी है लुटकिन को ढूंढने में यस आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट तो ऑथर ने उसको सीक्रेट नहीं बताया कि मैं आया क्यों हूँ ओलिवर लुटकिन से मिलना क्यों चाहता हूँ वो नहीं बताया सिर्फ इतना बोला हाँ हाँ मुझे जल्दी है बिकॉज मुझे आफ्टरनून की ट्रेन में वापस शहर जाना है क्योंकि उसने सीक्रेट नहीं बताया ऐसे ट्रेन का बहाना बना दिया आई टेल यू वाट आई हैव गॉट अ हैक आई गेट इट आउट एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइन लुट कैंस तो उस आदमी ने बोला मैं तुम्हें कहता हूँ सुनो मेरे पास एक हैक है घोड़ा गाड़ी है कैरिज है मैं हम दोनों इसमें चलेंगे मैं इसको ले आता हूँ और हम दोनों इसमें चलेंगे पूरे शहर में इसमें घूमेंगे इसको इकट्ठा उसको ढूंढने में कोशिश करेंगे और लुटकिंस को फाइंड आउट करेंगे फाइनली आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट मैं जानता हूँ ज़्यादातर वो सारी जगह मैं जानता हूँ जहाँ पर वो हो सकता है जहाँ पर वे वो घूमता फिरता है ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली दैट आई ग्लोड विद द ऑफ अफेक्शन तो ऑथर कह रहा है कि वो हैक ड्राइवर मुझे इतना ज़्यादा वो ओपन माइंडेड लगा और फ्रेंडली लगा कि मैं खुश हो गया उसका इस तरह से फ्रेंडली बिहेवियर देख करके मैं बहुत खुश था आई न्यू ऑफकोर्स दैट ही वॉन्टेड द बिजनेस बट हिज़ काइंडनेस वॉज रियल मैं जानता था हाँ हालांकि मैं जानता था कि वो ये सब पैसा कमाने के लिए कर रहा है बिजनेस मीन्स वो ऑथर को शहर में एक जगह से दूसरी जगह दूसरी से तीसरी जगह घुमाता तो उसको पैसे मिलते हैं उसके बट हिज़ काइंडनेस वॉज रियल लेकिन वो जो काइंडनेस शो कर रहा था दैट वॉज रियल वो सच में थी आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो मैं बहुत खुश था कि जो मेरा किराए का जो पैसा है वो इस भले आदमी को जाएगा आई मैनेज टू बार्गिन डाउन टू टू डॉलर एन आवर एंड देन ही ब्रॉट फ्रॉम हिज हाउस नियर बाय ए शॉर्ट ऑफ लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स तो मैंने उसे बार्गेनिंग किया तो फाइनली डिसाइड हुआ रेट प्राइस डिसाइड हुआ कि एक घंटे के दो डॉलर्स चार्ज करेगा वो और वो गया अपने घर जो कि उसके नज़दीक ही था स्टेशन के और वहाँ से वो एक ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स ऐसा लग रहा था कि जो व्हील्स हैं उनके ऊपर ब्लैक कलर का कोई बॉक्स रखा हो वो अपनी कैरिज को ले आया ही रिमार्क्ड वेल यंग मैन हेयर इज़ द कैरिज ये देखो यंग मैन ये यहाँ रही ये रही घोड़ा गाड़ी एंड हिज वाइट स्माइल मेड मी टू एन ओल्ड फ्रेंड और उसकी जो स्माइल थी जिस तरह से उसने स्माइल किया मुझे उसने अपना दोस्त बना लिया एक पुराने दोस्त की तरह मुझे दीज विलेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प अ स्ट्रेंजर ये जो गाँव के लोग होते हैं ये हमेशा अजनबियों की जो स्ट्रेंजर्स हैं उनकी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं ही हैड ऑलरेडी मेड इट हिज ओन टास्क टू फाइंड ऑल इवर फॉर मी उसने अपना ये टास्क बना लिया था ऑब्जेक्टिव बना लिया था मेरे लिए ओलिवर लुटकिंस को फाइंड आउट करना ही सेड आई डोंट वॉन्ट टू इंटरफेयर यंग फेलो बट माई गैस इज दैट यू वॉन्ट टू कलेक्ट सम मनी फ्रॉम लुटकिंस तो उसने हैक ड्राइवर ने कहा मैं इंटरफेयर तो नहीं करना चाहता आपके जो भी बिजनेस है लेकिन माई डियर यंग मैन मेरा यह मानना है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें लुटकिन से कुछ पैसे इकट्ठा करने हैं तुम्हें उससे पैसे लेने हैं इसलिए तुम उसे ढूंढ रहे हो ही नेवर पेज एनीबडी ए सेंट वो कभी भी किसी को भी वो एक सेंट भी नहीं देता है सेंट द करेंसी एज वी आर हैविंग रुपीज इन इंडिया तो वहां की जो स्मॉल करेंसी है ठीक है सेंट वो कभी भी किसी को एक सेंट भी नहीं देता है ही स्टिल्स ओज मी फिफ्टी सेंट्स ऑन ए पोकर गेम आई वॉज फूल अनफ टू प्ले विद हेम उसने मुझे अभी पोकर गेम के फिफ्टी सेंट रुपीज देने हैं और मैं तो बेवकूफ था जो उसके साथ खेल रहा था उसके साथ खेला मैं ही इज नॉट रियली बैड बट इट्स हार्ड टू मेक हिम पार्ट विद मनी वो बुरा आदमी नहीं है बट यस yes, उससे पैसे निकालना बहुत मुश्किल काम है इफ़ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम इन दोज फैंसी क्लोथ्स हिल बी सस्पीशियस एंड गेट अवे फ्रॉम यू अगर तुम उससे पैसे कलेक्ट करने की कोशिश करोगे इन कपड़ों में ये जो तुमने फैंसी कपड़े पहने हुए हैं थोड़े से फैशनेबल कपड़े पहने हुए हैं तो वो सस्पीशियस वो डाउटफुल हो जाएगा और वो भाग जाएगा आपसे ओके okay. वो आपकी पकड़ में नहीं आएगा इफ़ यू वॉन्ट आई एल गो इन टू फ्रिज एंड आस्क हेम Ask for him and you can keep out of sight behind me. अगर तुम चाहते हो तो मैं फ्रिज फ्रिज वो जो शॉपकीपर है जिसकी शॉप के पीछे उसने एज्यूम किया था कि उसकी शॉप के पीछे वो कार्ड्स खे, खेल रहा होगा पोकर गेम खेल रहा होगा तो उसने कहा कि अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं जाऊँ उसको ढूंढने के लिए उसको देखने के लिए फ्रिज की शॉप के फ्रिज से पूछने के लिए मैं जाता हूँ तुम ठीक मेरे पीछे खड़े रहना तुम सामने मत आना आई लवड हिम फॉर दिस ऑथर कहता है कि मुझे तो मैं तो इस बात से बहुत uh, effect, uh, बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसकी इस बात से by myself सेल्फ आई माइट नेवर हैव फाउंड अकेले मैंने शायद मुझे वो लुटकिन नहीं मिलता विद द हैक ड्राइवर्स अइंग हेल्प आई was श्योर ऑफ गेटिंग अ माई मैन लेकिन मुझे पक्का यकीन था कि इस हैक ड्राइवर की नॉलेज से इसकी हेल्प से मैं पक्का जो ऑलिवल है उसको ढूंढ लूंगा आई टोक हिम इंटू माई कॉन्फिडेंस एंड टोल्ड हिम दैट आई वॉन्ट टू सर्व द समन्स ऑन दैट द मैन हैड सम्यूज टू बी विटनेस टू बी ए विटनेस वेन हीज इंफॉर्मेशन वुड हैव क्विकली सेटल्ड आवर केस आई हैम इंटू माई कॉन्फिडेंस मैंने उसको विश्वास में लिया उसका विश्वास जैसे ही उसने मेरा विश्वास जीता तो मैंने उसको बताया कि मैं यहाँ पे आया हूँ ओलिवर लुटकिंस को समन्स देने के लिए क्योंकि दैट द मैन हैड रिफ्यूज टू बी अ विटनेस क्योंकि उस आदमी ने एक विटनेस एक गवाह बनने से हमें इनकार कर दिया था मना कर दिया था वेन हिज इन्फॉर्मेशन वुड है सेटल्ड अवर केस कब जब उसकी गवाही से हमारा केस सेटल हो सकता है तो उसके लिए हमें उसके गवाही चाहिए थी लेकिन वो मान नहीं रहा है अब द ड्राइवर इन अर्नेस्टली ड्राइवर ने बहुत ही ध्यान ध्यान से वो ध्यान से वो वो पूरे सुन रहा था मुझे एट द एंड ही हिट मी ऑन द शोल्डर एंड लाफ्ट वेल विल गिव ब्रदर लुड कैंस लिटिल सरप्राइज तो लास्ट में जब मैंने अपनी बात खत्म की तो उसने मेरे कंधे पे हाथ मारा और हंसा और कहा ठीक है हम ब्रदर लुटकिंस को लुटकिंस भाई को एक सरप्राइज देंगे छोटा सा सरप्राइज लेट स्टार्ट ड्राइवर मोस्ट फॉक्स अराउंड हेयर कॉल मी बिल और मैगनसन माय बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैगनसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग तो ऑथर ने उसको कॉला कहा लेट्स स्टार्ट ड्राइवर ठीक है ड्राइवर चल दो तो, चलो चलते हैं तो उसने कहा मोस्ट फॉक्स जो हैक ड्राइवर था उसने कहा कि ज्यादातर लोग मुझे यहां पे बिल के नाम से या मैग्नसन के नाम से जानते हैं और मेरा जो बिजनेस का जो नाम है वो है विलियम मैग्नसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग ऑल राइट बिल शैल वी प्रोसीड टू फ्रिड्स ऑथर ने कहा ठीक है बिल क्या हम चलें फ्रिज के पास येस लुटकिन इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनिवियर हां हां बिल्कुल चलते हैं लुटकिन वहां पर बिल्कुल मिल जाएगा हमें वो सारी जगह घूमता रहता है वहां पर हमें प्लीज ए लॉट ऑफ पोकर वो बहुत ज्यादा पोकर गेम खेलता है good at deceiving people. Deceiving me, cheat. वो लोगों को चीट करने में धोखा देने में बहुत माहिर है स्किलफुल है बिल सीम टू एडमायर लुटकिन टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी बिल एडमायर कर रहा था उसकी प्रेज कर रहा था लुटकिनस के टैलेंट की वो जो डिसऑनेस्ट फॉर डिसऑनेस्ट मीन्स चीट करता था वो बेईमान जो था जो तो डिसऑनेस्टी की तारीफ उसका जो टैलेंट था उसकी तारीफ कर रहा था वो बिल आई फेल्ट दैट इफ़ ही हैड बीन ए पॉलिटिशियन ही वुड हैव कॉट लुटकिन रिस्पेक्टफुली एंड जेल्ड हिम विद रिगरेट तो मुझे ऐसा लगा कि इफ़ ही हैड ए पुलिस मैन कि अगर वो पुलिस वाला होता अगर वो पुलिस वाला होता तो वो लुटकिंस को बड़े रिस्पेक्ट के साथ उसको पकड़ता और उसको रेग्रेट होता उसको पछतावा होता कि उसने उसको जेल भेज दिया और वो बड़े पछतावे के साथ उसको जेल भेजता अगर वो पुलिस मैन होता तो बिल लेड मी इनटू फ्रिज हैव यू सीन ऑल लुटकिंस अराउंड टुडे तो बिल मुझे ले गया फ्रिज्स के शॉप के पास और उसने वहां पे जाके फ्रिज से पूछा क्या तुमने आज लुटकिंस को देखा है आज यहां पे फ्रेंड ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम सेट बिल चीयरली बिल ने हंसते हुए कहा कि उसका एक दोस्त उसको ढूंढ रहा है फ्रिज लुक्ड एट हिम फ्रिज ने उसकी ओर देखा हाइडिंग बिहाइंड बिल सॉरी फ्रिज लुक्ड एट मी वो उसने फ्रिज ने मेरी तरफ देखा और मैं बिल के पीछे छुप गया ही हैजिटेटेड एंड देन एडमिटेड वो थोड़ा सा झिझक रहा था फ्रिज और तब उसने कहा हाँ हाँ यस ही वॉज इन ही वॉज इन हेयर ए लिटल वाइल्ड अगो गेस ही इज़ गॉन ओवर टू गुस्ताफ्स टू गेट ए शेव तब उसने कहा हाँ हाँ वो थोड़ी देर पहले यहीं पे था और मुझे लगता है कि वो गुस्ताफ्स के यहाँ पे गया है शेव करने के लिए वेल इफ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम तो बिल ने कहा ठीक है अगर वो यहाँ पे आए तो उसको बोल देना कि मैं उसको ढूंढ रहा हूँ वी ड्रोव टू गुस्ताफ बार्बर शॉप तब हम हैक हैक ड्राइवर और ऑथर जो है दोनों गुस्ताफ जो ड्राइवर है सॉरी बार्बर है उसके शॉप पे गए अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट यहाँ पे भी दोबारा से बिल पहले गया शॉप के अंदर एंड आई लंज एट द डोर और मैं लिंज मीन्स कैप्ट स्टैंडिंग कैप्ट बिहाइंड मैं पीछे ही वहाँ पर खड़ा रहा उसके पीछे दरवाजे भी खड़ा रहा ही आस्क नॉट ओनली द स्वीडे बट टू कस्टमर्स इफ दे हैड सीन लुटकिंस उसने न सिर्फ स्वीडे वो एक कैरेक्टर है उससे न सिर्फ स्वीडे से पूछा बल्कि दो और कस्टमर्स वहां पे थे उनसे भी पूछा कि क्या उन्होंने लुटकिंस को देखा है द स्वीडे हैड नॉट स्वीडे ने तो नहीं देखा था ही सेड एंग्रीली उसने गुस्से में कहा आई हैवेंट सीन हिम एंड डोंट केयर टू मैंने उसको नहीं देखा है और ना ही मुझे उसको देखना है ना ही मुझे उसकी परवाह है बट इफ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट डॉलर थर्टी फाइव लेकिन वो अगर तुम्हें मिले तो उससे वो मेरे थर्टी फाइव डॉलर ले लेना जो कि उसके पास है वन ऑफ द कस्टमर्स ही हैड सीन लुटकिंस वॉकिंग डाउन मेन स्ट्रीट दिस साइड ऑफ द होटल वो जो कस्टमर्स थे उनमें से एक ने

हैक ड्राइवर है बिल वो दोनों हैक पे चढ़े तो बिल ने उसको बताया कहा कि हो सकता है कि लुटकिंस का यहाँ पे गुस्ताफ़ के यहाँ पे उधार ज़्यादा हो गया होगा शायद वो ग्रे के शॉप में गया है शेव करने के लिए एट ग्रेज़ बार्बर शॉप वी मिस्ड लुटकिंस बाई ओनली फाइव मिनट्स जब वो ग्रे बार्बर की शॉप पे पहुंचे तो उन्हें पता चला कि तो यहां से पांच मिनट पहले ही निकला है अभी ही हैड जस्ट लेफ्ट प्रोबेबली फॉर द पूल रूम वो अभी अभी निकला है शायद पूल रूम गया होगा शायद वो पूल रूम गया होगा तो एट द पूल रूम इट अपियर दैट ही हैड जस्ट बॉट ए पैक ऑफ सिगरेट्स एंड गॉन आउट और जब वो पूल रूम पहुंचे तब उन्हें पता चला कि यहाँ पे उसने अभी अभी एक सिगरेट का पैक खरीदा है और यहाँ से अभी अभी गया है वो सो वी परस्यूड हिम इसलिए हम लोग उसके पीछे पीछे चल पड़े जस्ट बिहाइंड हिम बट नेवर कैचिंग हिम उस ठीक उसके पीछे पीछे थे लेकिन उसको पकड़ नहीं पाए वो हमारे सामने नहीं आ रहा था हमारे हाथ नहीं आ रहा था फॉर एन आवर टिल इट वॉज़ पास्ट वन ओ एक घंटे तक ऐसा रहा यही चलता रहा और इतने में एक बज गए आई वॉज हंगरी मैं भूखा था भूख लगी थी बट आई हैड सो इन्जॉयड बिल्ज रफ कंट्री ओपिनियंज अबाउट हिज नेबर्स दैट आई स्कॉर्सली केयर्ड वैदर आई फाउंड लुट कैंसर नॉट लेकिन बिल ने उसको अपना जो जो टाउन था उसके पड़ोसी जो थे उनके बारे में बताना स्टार्ट किया उनके ओपिनियंस के बारे में बताना स्टार्ट किया और मैं बहुत हार्डली आई लाइक स्कॉर्सली और हार्डली आई पेड एनी अटेंशन टू लुटकिंस मैं अब uh, मुझे अब ध्यान नहीं रहा कि लुटकिंस को भी पकड़ना है हाउ अबाउट समथिंग टू ईट आई सजेस्टेड लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट एंड आई बाय यू बंच लंच सो ऑथर ने पूछा कि क्या कहते हो खाने खाने के बारे में क्या कहते हो खाना खा लें चलो एक रेस्टोरेंट चलते हैं और मैं वहाँ पे लंच खरीदता हूँ लंच करते हैं वहाँ पे इकट्ठे वेल आई ऑट टू गो होम टू द वाइफ आई डोंट केयर मच फॉर दीज रेस्टोरेंट्स ओनली फोर ऑफ दैम एंड आर ऑल बैट तो बिल ने कहा आ, नहीं नहीं मुझे घर जाना है घर जाना चाहिए मुझे अपनी वाइफ के पास तो आई डोंट केयर मच फॉर दीज रेस्टोरेंट्स मुझे इन रेस्टोरेंट्स के को ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है यहाँ पे चार रेस्टोरेंट्स हैं और दे ऑल दे आर ऑल बैड वो सारे के सारे बहुत खराब है बुरे हैं टेल यू वट वे डू मैं तुम्हें बताऊं कि हम लोग क्या करेंगे विल गेट द वाइफ टू पैक अप लंच फॉर अस शी वॉन्ट चार्ज यू मोर देन हाफ ए डॉलर एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर अ ग्रीजी मील इन रेस्टोरेंट एंड विल गो टू वेड्स हिल एंड एंजॉय द व्यू वाइल वी ईट तो बिल ने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है विल गेट द वाइफ टू पैक अप पे लंच फॉर अस हम मैं अपने घर चलो जाऊँगा और हम दोनों वहाँ पे जाएंगे मेरे घर जाएंगे। मैं अपनी वाइफ को बोलूँगा कि हमारे लिए लंच प्रिपेयर करें पैक करें और वो आपसे नॉट मोर देन हाफ ए डॉलर एक आधे डॉलर से ज़्यादा चार्ज नहीं करेगी वो खाने का और वो जो खाना होगा वो इतना टेस्टी होगा कि उतना टेस्टी आपको रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेगा फिर उसके बाद खाना ले के हम पैक करने के बाद वेड्स हिल जो एक जगह है वहाँ पे जाएंगे और ऊपर वहाँ पे बैठ करके के खाना खाते हुए जो व्यू है उसको एंजॉय करेंगे